नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया है। तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए दो दिन पहले तेज प्रताप के समर्थन से संजय कुमार ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा था। तेज प्रताप यादव उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का उम्मीदवार उतारना चाहते थे, मगर क्योंकि उनका संगठन अभी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही उनके संगठन के पास कोई चुनाव चिन्ह है, इसी वजह से उन्होंने संजय कुमार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन दिया था। तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद हासिल करने के बाद संजय कुमार ने तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन तो कर दिया, मगर दो दिन के अंदर ही तेजस्वी ने बड़ा खेल कर दिया। तेजस्वी ने शनिवार को शाम संजय कुमार को अपने आवास पर बुलाया और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया और आरजेडी में शामिल हो गए। संजय कुमार ने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनानी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आरजेडी परिवार को मजबूत बनाने के लिए मैं अपना नामांकन वापस लूँगा। अब मेरा मकसद है तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार को जिताना। वहीं इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने ट्विटर कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे लिए चुनाव में आदरणीय तेज प्रताप यादव जी प्रचार करेंगे, संजय यादव। जनता के लिए संजय यादव जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। ना मैंने कुछ कहा ना लिखा, तो इसमें मेरा क्या रोल था या है? हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब समझते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी में विरासत की लड़ाई तेज हो गई है। आरजेडी ने तेज प्रताप को आधिकारिक तौर पर पार्टी से निकालने की घोषणा नहीं की है और ना ही तेज प्रताप यादव खुद पार्टी छोड़ने की कोई बात कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कई फैसले पार्टी लाइन से खिलाफ लिए हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए अपनी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती को इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाने पर ट्विटर पर तंज भी कसा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।